हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है दाल। दाल अपने खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे भोजन में दाल जरूर बनती है, तो हम सब सोचते हैं कि दाल में प्रोटीन बहुत मात्रा में होगा। सच बात है, दाल में प्रोटीन तो बहुत मात्रा में होता है। इसके साथ इसमें जिंक, आयरन और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को दाल जरूर खानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को एक मंथली प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, तो इसलिए उनको अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए दाल को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दाल में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। प्लस जिंक और मैग्नीशियम भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो कहते हैं कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें भी दाल जरूर खानी चाहिए, बच्चों को भी दाल जरूर खानी चाहिए। तो दाल एक अच्छा रिसोर्स है, हमारे शरीर में एक बैलेंस डाइट है। तो अपने खाने में हमें एक कटोरी दाल जरूर ऐड करनी चाहिए, और दाल को टेस्टी भी होना चाहिए। तो टेस्टी होने के लिए तो रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल है, तो इसमें हम बनाएंगे आज टेस्टी टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल। ये दाल इतनी टेस्टी होती है कि मैं क्या बताऊँ। सारी सामग्री की लिस्ट यहाँ पे है। तो इस दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अरहर की आधा कप दाल। अरहर की दाल को तुअर की दाल भी कहते हैं कई जगह। इसको दो तीन पानी से अच्छे से धुल के फिर हमें आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। साथ में हमें 3 टेबल स्पून धुली मूंग की दाल चाहिए। मैं दवा डालती हूँ, उसको मैंने हटा दिया। धुल के इसको भी हमें आधे घंटे रेस्ट करने देना है, बस इसको पानी से भिगोना नहीं है। धुली मूंग की दाल ऐड करने से जो अरहर की दाल के साथ जब हम मिक्स करते हैं, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ में एक अच्छी सी बाइंडिंग आती है। अब हम दाल को बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका था, एक कुकर लीजिए, कुकर में ही तो दाल बनेगी ना। तो इसमें हम आधा बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी जब गर्म हो जाएगा तब इसमें जो हमने दालें भिगोई थी, अरहर की और मूँग की, दोनों दालें हमें ऐड कर देनी है। और लगभग आधा मिनट अच्छे से घी के साथ दोनों दालों को भून लेंगे हम लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम मत करिएगा, क्योंकि दाल हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी चिपक जाती है और फिर जलने का डर रहता है दालों का। अच्छे से हमने दालों को भून लिया है। इसके आगे साथ में हमें एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लंबा लंबा काट के ऐड करना है। 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे हम। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए, थोड़ा सा कम ही नमक ऐड करिएगा, आगे भी हमें नमक की ज़रूरत है। 1.5 टीस्पून हल्दी ऐड करिए, हल्दी बिना तो दाल बनती ही नहीं है। और साथ में थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी से थोड़ा कम ही पानी ऐड करिएगा, क्योंकि हमें दाल के जो दाने हैं, दाल के जो बीज हैं, उन्हें हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गला नहीं देना है। थोड़े से हमें दाने मतलब खड़े रहने चाहिए और दाल गल भी जानी चाहिए। तो इसका यही एक है कि थोड़े से कम पानी में हमें दाल को पकाना है। 3 से 4 सीटी में आराम से दाल पक जाएगी, क्योंकि भीगी हुई दाल है। जब तक दाल पक रही है तब तक हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तड़के की। एक मीडियम प्याज को महीन चॉप कर लीजिए, साथ में 7 से 8 कलियाँ लहसुन की महीन महीन काट लीजिए। 1 अदरक का टुकड़ा लंबा लंबा काट लीजिए। तैयारी लगभग अपनी पूरी हो चुकी है, दाल भी पक चुकी है। पूरी स्टीम निकलने के बाद ही दाल को खोलिएगा। दाल देखिए बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल गल गई है, और दाने भी हमें दिख रही है, दाल के बीज हमें दिखाई दे रहे हैं कि हाँ दाल दिख रही है। इसको अच्छे से हम एक बार स्पून से चला के, अभी गाढ़ी है, घबराइएगा नहीं। आप सोच रहे होंगे इतनी इतनी गाढ़ी कैसे दाल खाई जाएगी। हमें पानी हम ऐड करेंगे साथ में, क्योंकि हमने कम पानी में इसीलिए बनाई थी, मैंने बताया था ना, बिल्कुल प्रॉपर हमें गलानी नहीं थी दाल। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम आवश्यकता के अनुसार, और अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें दाल को पकाना है। अभी दाल पूरी बनी नहीं है, थोड़ी देर हमें अच्छे से इसको बॉयल आने देना है, अच्छे से पकाना है। बहुत ही जायकेदार बनती है दाल। को जब हम पकाते हैं ना, तो एक शब्द है कढ़ना। जब दाल पक पक के कढ़ती है तो उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो जब तक हम दाल को धीमी फ्लेम पे पका रहे हैं, एक तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। एक दूसरी गैस पे हम तड़का बनाते हैं।
एक पैन लीजिए जिसमें आधा बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करिए। मैं इस दाल में देसी घी की रोक टोक बिल्कुल नहीं करती हूँ, ज़रूर डालती हूँ। एक छोटा चम्मच जीरा भी मैंने ऐड किया है। साथ में जो हम लोग ने महीन महीन प्याज काटा था उसे ऐड करेंगे। प्याज के साथ अदरक लहसुन जो हम लोगों ने काटा उसे भी ऐड कर दीजिए। हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा चला लेते हैं, इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा भुनने लेते हैं तब मिर्च ऐड करते हैं, क्योंकि मिर्च जब ज़्यादा भुन जाती है तो थोड़ा सा खांसी वाला होने लगता है ना, तो देर में ही मिर्च को भुन हम लोग ऐड करेंगे। देखिए बढ़िया सा प्याज अपना भुन चुका है। देसी घी की बात कर रही थी मैं, देसी घी बहुत अच्छा लगता है दाल के साथ। लाल मिर्च ऐड करिए और इस तड़के को हम उस दाल में जो हमारी दाल पक रही थी उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस समय आप गैस बंद कर दीजिए। तड़का डालने के बाद इसको मिक्स करके रख दीजिए। ढाबे वगैरह में इसी स्टेज पे दाल बना के रख दी जाती है। जब आप लोग जब ऑर्डर देते हैं तभी आगे क्या प्रोसेस होता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि पानी ऐड किया था, नमक ऑलरेडी कम हो गया होगा, पहले भी थोड़ा सा कम ही नमक हमने यूज़ किया था। मिक्स करके गैस बंद कर दीजिए, ढक के रख दीजिए। जब आपको खाना हो गर्मा गर्म आगे का प्रोसेस तब करेंगे, अगर तुरंत खाना है तो आगे का प्रोसेस जो मैं बताऊंगी बैक टू बैक कर सकते हैं। देखिए मुझे अब हमारे यहाँ लंच का टाइम हुआ था, तो आधे घंटे पहले मैंने दाल बना के रख दी थी। अब इसके आगे का प्रोसेस इस समय हम करेंगे। घी की बात कर रही थी, घी भी ज़रूर हो खाना चाहिए हमें, क्योंकि घी से हड्डियों में मजबूती आती है। अपनी डाइट में थोड़ा बहुत घी हमें ऐड करना चाहिए। देखिए दाल जब रख दी जाती है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो उसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी भी अपने घर की आवश्यकता के अनुसार ऐड करिए, जितनी पतली आप खाते हों। अब दाल को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने दीजिए, वैसे ही जैसे मैं पहले बताई थी कढ़ने दीजिए। इससे दाल का टेस्ट बहुत बढ़ता है। आराम से दाल को पकने दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट तक। जब आपका सारा काम हो जाए, लास्ट में जब आपको सर्व करने की बात हो तभी ये प्रोसेस करिएगा। जब दाल अच्छे से पकती है, गर्मा गर्म होती है, तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। दाल बहुत ही जायकेदार बनेगी, ये बहुत टेस्टी बनेगी। जब दाल में अच्छे से उबाल आ जाए तब आप इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अभी ये दाल फाइनल नहीं हुई है, अभी रुक जाइएगा, अभी हमें ढाबा टेस्ट देने में टाइम है। अब इसी समय हमें फाइनल तड़का लगाना है, एक और तड़का लगाना है। तो इसके लिए एक पैन फिर से लीजिए। पैन में थोड़ा सा घी ऐड करिए, देसी घी। कभी कभी डाइट में देसी घी ज़रूर ऐड करिए, इससे भी अपनी शरीर की हड्डियों में नरिशमेंट मिलता है, मजबूती मिलती है। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, साथ में महीन कटे हुए 4 से 5 कलियां लहसुन की ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च लंबी लंबी काट के, 2 लाल मिर्च खड़ी हुई तोड़ के। मिर्च और नमक अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अच्छे से इन सब चीज़ों को हमें भूनना है गोल्डन होने तक। ये देखिए कितना बढ़िया तड़का तैयार हो रहा है। खुशबू तड़के से ही पता चल जाता है आज घर में कुछ टेस्टी टेस्टी बन रहा है, क्योंकि तड़के की खुशबू इतनी बढ़िया होती है। अब गैस को बंद कर देंगे और तब हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। इस तड़के को आप दाल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। गर्मा गर्म दाल में तड़का और थोड़ा सा धनिया आप स्प्रिंकल करिए और अच्छे से मिक्स करके घर वालों को लाजवाब दाल चपाती चावल के साथ खिलाइए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और इसी तरीके से अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।